सो हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू से दिस कि ये मेरा पाकिस्तान से लास्ट सलाम है। नेक्स्ट व्लॉग जब भी मैं स्टार्ट करूँगी वो मेरा यहाँ से नहीं होगा, इट विल बी फ्रॉम UK मोस्ट प्रोबेबली। तो आज रात की हमारी फ़्लाइट है 2 बजे की, उससे पहले हम घर से निकल जाएंगे। सो आई एम गोइंग बैक टुडे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्टे हेयर इन पाकिस्तान। इस टाइम मिक्सड इमोशंस हैं, हैप्पी दैट आई बी गोइंग बैक बट ऑल्सो सैड दैट आई बी लिविंग माई फैमिली हेयर। आई डोंट नो व्हाट टू से राइट नाउ, बट चले अभी थोड़ी बहुत पैकिंग रहती है वो करते हैं और कुछ मेहमान आएंगे मिलने के लिए, तो आज बस ऐसे ही दिन गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो अभी होगी मैं रेडी टू वेलकम द गेस्ट, कुछ गेस्ट आ रहे हैं मिलने, आप लोगों को बताया था, तो उसी के लिए बस थोड़ा बहुत रेडी हुए हैं, कपड़े चेंज किए हैं। तो अब नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे की सूरत हाल। और या तो गेस्ट होकर चले गए, अब करते हैं जल्दी से नाश्ता। सो अभी बज रहा है 5:45, अभी हम फारिग हुए हैं गेस्ट से और खाना वगैरह खाया है और अभी जा रहे हैं कार के चाचू को मिलने, बस पास ही है उनका घर, तो बस जल्दी से मिलके हमने कहा आ जाएंगे। और पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई हुई है, क्योंकि आसिफ ने कपड़े रात को पहनने थे एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन जिद करके उसने अभी से पहन लिए हैं, तो सब जल्दी जल्दी जाते हैं और आधा घंटा बैठ के जो है ना वापस आते हैं और फिर बाकी का आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं। तो पाकिस्तान की रोड्स पे कुछ हमारे आखिरी लम्हात फॉर नाउ, और बस बहुत मिस करूँगी मैं, मुझे पाकिस्तान की रोड से भी ना एक स्पेशल किस्म की अटैचमेंट है, तो ये सब कुछ बहुत मिस करेंगे हम, है ना इजहार से। तो अभी बज रहे हैं 7 और हम निकल आए हैं उनके घर से, और अभी बकार को यहाँ से कुछ कोई स्टोर है वहाँ से कुछ पिक करना था, तो वो पता करने गया है वहाँ पे। और गुजार सिर्फ जो है वो सबा लोगों के साथ बैठ गया था, सबा भी उधर ही आ गई थी ना, तो उनके साथ निकल गया है और अभी बस बकार पिक कर ले तो फिर हम घर की तरफ निकलते हैं। तो ये मैगनेट हैं, सबा ने एक इंस्टा पेज से बनवाए थे एंड शी गेव अस 2 ऑफ दीज, बहुत क्यूट हैं। सो आज है ईद का 3rd डे, तो इसीलिए कोई सैलून नहीं खुला हुआ था, मुझे अपने आईब्रोज करवाने थे बट कोई सैलून नहीं खुला हुआ था पहले कुर्बानी की वजह से नहीं करवाए, और इसलिए अब फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा। और कमरे की हालत कुछ इस तरह से है कि काफ़ी पैकिंग हो चुकी है, सूटकेसेस बाहर रख दिए हैं 3-4, और एक जो है यहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें भी डालनी है। और बस आपको मैं दिखाती हूँ कमरे की हालत, और ये लास्ट व्लॉग मेरा मेरे इस कमरे में। तो ये हमारा आखिरी सूटकेस है, बाकी सारे बाहर पहुँचा दिए हैं, और अभी बस देखने लगी हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। केक है जो हमने साथ लेके जाना है, और ये पता नहीं क्या है, अभी गन फैला हुआ, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9 और हम जा रहे हैं मीकोंग लेने, क्योंकि वकार को खाना था काफ़ी दिनों से, तो आज हमने कहा चलें जाते जाते जो है ना वो खा लेते हैं चिकन मंचूरियन एंड एग फ्राइड राइस। चलें चलते हैं फिर। तो फाइनली हमें एक ये सैलून ओपन मिला है, कभी हम यहाँ पे आए नहीं हैं, ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, अब जो भी हुआ करवाना तो है। तो अभी हो गई हूँ मैं रेडी, एयरपोर्ट हम निकलने लगे हैं, खाना वगैरह खा लिया, अभी बज रहे हैं आई थिंक 11:30 हो गए हैं, 1:50 की फ़्लाइट है, तो उस लिहाज से हमें अभी निकलना चाहिए क्योंकि बहुत रश होता है अक्सर। तो मामा लोग भी आए थे वैसे चक्कर लगाने, अब सब एयरपोर्ट पे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे सब जाएंगे डायरेक्ट। बस अब पैकिंग भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, सब तैयार हैं, खाना खा लिया है, तो अजीब सा फील हो रहा है, आप लोग को आइडिया हो गई, जो बाहर रहते हैं जाते हैं उनको पता होगा। तो चलें अब फिर निकलते हैं और फिर मैं आप लोगों को नीचे जाके मिलती हूँ मेरे बैग में, एंड वी आर जस्ट लीविंग नाउ, बस गाड़ी में बैठने लगे हैं। अभी कुछ बैग्स जो है वो सब आई थी वो ले गई है, तो अभी वो हम एयरपोर्ट पे खरीदने में लगे, ये यहाँ पे अभी हमने रखने थे चीज़ें, तो ये वो हैं हैंड कैरी वगैरह। कौन सी? बाय बाय टू दिस व्यू फॉर नाउ फॉर फ्यू मंथ्स। ये आपने पहले लिया था ना? अच्छा चलता हूँ धुआं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, ये मामा को देना, दिल के संदूकों में अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी। हम पहुँच गए हैं अभी
मैं और सुलेमान ही पहुँचे हैं, बाकी सारे पीछे आ रहे हैं। फ्लाइट जो है ना वो 150 पे थी, अब 350 पे होगी। अब हम यहाँ पे गर्मी में खजा खुआ रहे। अच्छा चलता हूँ धुआं में, याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, बेलिया तो पिया मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे। तो ये आप चेक इन का रश देखें, इतना ज्यादा रश था वहां पे। और उसके बाद ये बोर्डिंग वाला रश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस थी, चेकिंग हो रही थी सारा कुछ। तो फाइनली हमने चेक इन और बोर्डिंग सारा कुछ पास कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ, क्योंकि ज़ार से बहुत थक गया था खड़े होकर, बस चलो चलो कही जा रहा था। और यहाँ पे हम लाउंज पहुँच गए हैं और यहाँ पे वापस आते हुए मैंने यहाँ पे माया अली को भी देखा था, और पहले मुझे लगा कोई और है बट फिर वहीं थी क्योंकि उनकी मदर उनके साथ थी, तो लेकिन मैं मिल नहीं सकी। अच्छा ही लगता मुझे अगले को भी तंग करना, और मुझे वैसे ही बहुत शर्म आती है। और फिर यहाँ पे हम रुक गए जूस जोन, क्योंकि फालसे का जूस लेना था मुझे और वकार को। इजार से अपने फ्राइज़ लिए यहाँ से, अब पियो पापा ना, आपका इसका जो है वो देखा आप खराब कर रहे हो, चलो पियो। तो लाहौर का जो एयरपोर्ट का लाउंज था वो बस ठीक था, इट वाज लाइक 7 out of 10। और खाने में यहाँ पे सैंडविचेस थे, चाय थी, ड्रिंक्स थी, मिठाई थी, बिस्किट्स थे, मैंने सिर्फ चाय ली। तो अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए, 350 पे है अभी, 315 और एंड नाउ वी आर ऑफिशियली लिविंग पाकिस्तान। तो हमें 4 बज गए थे जहाज़ में, तो इसीलिए ज़ार सिर्फ जो है ना वो बैठते ही सो गया था, क्योंकि उसके सोने का टाइम तो गुजर गया हुआ था, रात काफ़ी हो गई हुई थी। तो इसलिए जो फर्स्ट हमारी फ़्लाइट थी उसमें उसने तंग नहीं किया, वो सोए हुए आराम से गुजरी। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकल रहा है। मैंने तो सिर्फ कोक पी थी जाते हुए, क्योंकि जहाज़ के खाने से ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये उन्होंने ईद मुबारक की डेट दी थी, खाने में ये था, वकार ने खाया था और बस मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था।
तो हम कतर एयरवेज पे ट्रेवल कर रहे थे, हमारा 2 घंटे का स्टे था दोहा में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं दोहा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नीचे छोटी छोटी बिल्डिंग्स, घर। और ये हालत थी हमारी इस टाइम नींद से बेहाल। और यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहा होगा कि पास पास आ रहा है सब कुछ, क्योंकि हमारी लैंडिंग बस होने वाली थी और फिर हमने पहुँच जाना था कतर। हम न रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के गम तो नहीं है, गम तो नहीं। पहुंच गए हैं दोहा एयरपोर्ट के लाउंज में। यहाँ पे इस टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ हुआ था तो इनके मेन्यू में ये सारी चीज़ें थी। मैंने तो सिर्फ ऑमलेट लिया था क्योंकि दिल ख़राब हो रहा था। और ये देखें इनका वॉशरूम, मैं जितनी दफ़ा भी दोहा एयरपोर्ट आई हूँ ना, जितनी दफ़ा हमने ट्रेवल किया है कतर एयरवेज पे, इनके वॉशरूम सबसे ज़्यादा अच्छे और साफ़ देखे हैं मैंने, विच इज़ अ गुड थिंग। कम बेबी गाड़ी में बैठ नहीं सकते, नहीं बैठ नहीं, वो खराब हो जाएगी गाड़ी में। तो अब दोबारा हम प्लेन में बैठ गए हैं और हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, एडिनबरा एयरपोर्ट पे। तो ये उन्होंने स्नैक दिया था बाद में और ये बहुत अच्छा था, मज़े का था। हज़ार सिर्फ ने भी खा लिया, इससे पहले उन्होंने खाना दिया था बट वो मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरी जहाज़ में तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं रेस्ट नहीं लेना चाहती थी। तो हज़ार से यहाँ पे दूध पी रहा है, सो के उठ गया हुआ है। और अभी हम आई थिंक थोड़ा ही दूर रह गए हैं एडिनबरा से। और ये वाला व्यू देखें कितना अच्छा लग रहा है, असल में देखने में और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतने प्यारे प्यारे क्लाउड्स थे। और कुछ तो बिल्कुल जैसे अभी तो स्लो लग रहा है ना, बिल्कुल प्लेन के अंदर से होके निकलते थे, इतने क्यूट, कॉटन कैंडी की तरह दिल कर रहा था बस इनके अंदर जंप कर दो और इनके अंदर जाके बैठ जाओ। और ये वाला देखें आप, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ना धूप चुने ना छाओ कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी ठोर टिके ना पाओ, बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फ।
फकीरा मान जा आजा तुझका पुकारे तेरी पर। गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी हुई है। बाहर हम आ गए एयरपोर्ट से, अभी हम बस पे जाएंगे पार्किंग तक अपनी गाड़ी तक, और फिर वहाँ से जहाँ भी जाएंगे। क्योंकि आज से पहले तो बहुत हो गया था, अब्दुल्ला और सबको याद कर रहा था, अभी कह रहा है कि उनको भी कोई इधर आ जाए, हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है वहाँ से, है ना। चलिए पता चल गया कि हम वापस आ गए स्कॉटलैंड में इन हवाओं से। वो एक ये खड़ी है, लेकिन ये दूसरे किसी और के लिए। सो हम पहुंच गए अपनी पार्किंग में, मतलब हमारी जहाँ कार खड़ी हुई है। अच्छा नो, डोंट गो देयर, हमने बैग्स के पास खड़े होना है। बस से निकले हैं, बैग्स हैं कार गाड़ी के सामने रखने जाए, ताकि फिर हम जो है ना सामने खड़े इसके। तो न्यू कार जो कार ने ली थी हमारे साथ, तो फर्स्ट टाइम आज हम इसमें बैठे। आर यू एक्साइटेड? नहीं अभी लॉक्ड है ना। हमारा सामान चेक करें। टेल मी यू आर पाकिस्तानी विदाउट टेलिंग मी यू आर पाकिस्तानी एंड दिस इज बाजार से के काम चेक करें। आते ही जो है ना बहुत इसको बड़ा बनने का शौक है। छामा चला गया पाकिस्तान, रह गया नहीं। हाँ चलो आप पीछे बैठो, जल्दी करो। तो हम निकल गए घर के लिए अब, और मैं यहाँ पीछे बैठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए रूल है कि कार सीट के अलावा नहीं बैठ सकते। और वो कार ने क्योंकि कार जो है ना वो सही करवाई थी और उसका फ्रेंड ड्रॉप करके गया फिर यहाँ पार्किंग में, तो जो कार सीट है वो घर ही रह गई है। तो इसलिए मैं भी साथ पीछे बैठ गई हूँ कि इनकेस अगर किसी ने रोक के पूछ लिया तो। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है, मैं सबको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और बस अब जल्दी से दोबारा इंशाल्लाह मिले सबसे, और अभी मैं आपको भी घर जाके मिलती हूँ। तो रास्ते में अब हम मैकडॉनल्ड्स रुक गए हैं क्योंकि आसिफ को फ्राइज खाने थे और मेरा भी दिल कर पड़ा फिर, और ओरियो मैकफ्लर भी हमने ऑर्डर कर दी। तो अभी ड्राइव थ्रू पे हैं, बस ये दो तीन चीज़ें पिक करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, सारा सामान रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। क्या कर रहे हो? थैंक यू अमीर। इसका वो बकरा एंड वी आर होम। नो नो नो, दोबारा मिक्स कर लो। अम्मा उसको एक्साइटमेंट चेक करें बस। ये पिंक कुत्ता में, वाओ वैसे मिकी माउस बैठा हुआ है। ओ मिकी माउस लुक। चलें जी अब जंपिंग होने लगी है। तो उसके बाद हम सो गए थे और मैं उठी 8 बजे के करीब, फिर दोबारा सो गई कि अभी चलो है टाइम। उसके बाद फिर 10 बजे जाने का आँख खुली, तो हमने कहा कि इधर से के लिए दूध भी लाना है, पानी की बॉटल्स लाने वाली हैं, ब्रेड एग सब कुछ, मतलब घर के जो बेसिक चीज़ें थी सब कुछ लाने वाला था। तो अभी फिर वापस हम निकल गए हैं, खाना पिक किया है और अभी हम अस्ता जा रहे हैं, ग्रॉसरी स्टोर है, तो वहाँ से वैसे अब जाके चीज़ें लेते हैं और अब वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। से एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं साथ कमेंट्री साथ साथ। तो बस घर जाके खाना खाया और फिर हम सो गए घोड़े बेच कर। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक डेट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।